नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 2 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में लागू हुई न्यूनतम मजदूरी दर, कोरोना गाइडलाइन के साथ नए सेशन की हुई शुरुआत। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पंचायतवार बनेंगे नोडल कर्मी। पटना सहित इन 6 जिलों में बेहतर होगी बिजली आपूर्ति। अब चले बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना सहित इन 6 जिलों में बेहतर होगी बिजली आपूर्ति। आने वाले समय में बिहार के 6 जिलों को बिजली की सौगात बहुत जल्द ही मिलने वाली है। बक्सर थर्मल पावर प्वाइंट के 4 ट्रांसमिशन लाइनों को बनाने की मंजूरी राज्य कैबिनेट से मिल गई है, जिसका फायदा 6 जिलों में बिजली आपूर्ति को होने वाला है। इसके तहत पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिसमें शामिल है। सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बक्सर स्थित चौसा में 1320 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट सतलज जल विद्युत निगम बना रहा है। वहां करीब 817.35 करोड़ रुपए की लागत से 4 ट्रांसमिशन लाइन बनाने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड करेगी। इसमें से एक ट्रांसमिशन लाइन 400 केवी का बनेगा। खगड़िया के कत्यानी स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। खगड़िया जिले के फरकिया इलाके में स्थित धमारा घाट रेलवे स्टेशन के समीप मां कत्यानी का दरबार स्थित है। यह देश भर के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि दक्ष यज्ञ में भगवान शंकर के अपमान से मर्माहत सती ने आत्मदाह कर लिया था। शोकाकुल महादेव विषुप्त हो गए थे और सती के शव को कंधों पर लेकर उन्होंने रुद्र रूप में तांडव शुरू कर दिया था। स्त्री को अवश्यंभावी विनाश से बचाने के लिए जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती का अंग भंग किया था, सती के दिव्य देह के विभिन्न अंग जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जा गिरे थे। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए थे। यहां पर कोसी नदी के तट पर उनका दाहिना हाथ गिरा था। बिहार में गन्ने से अब बनेगा चॉकलेट। गन्ने से गुड़ जूस और गुड़ से बने चॉकलेट जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को बाजार में उतारने के लिए राज्य में प्रसंस्करण उद्योग खड़ा करने की तैयारी हो रही है। लिहाजा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गन्ना उद्योग विभाग विशेष प्रोत्साहन पॉलिसी बना रहा है। निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए बनाई जा रही इस पॉलिसी में काफी वित्तीय छूट देने पर विचार चल रहा है। यहां तक कि पूंजीगत निवेश अनुदान 50% तक हो सकता है। आधिकारिक जानकारों के मुताबिक गन्ना उद्योग विभाग की रणनीति है कि बाजार में विशेषकर गुड़ से बने उत्पाद मसलन चॉकलेट, टॉफी, गुड़ मिश्रित, ड्राई फ्रूट और उत्पाद आदि खाद्य वस्तुएं बनाई जाए। कोरोना गाइडलाइंस के साथ नए सेशन की हुई शुरुआत। कोरोना के नए स्ट्रेन के बीच बीते दिन से बिहार के सभी सरकारी स्कूल में नए सेशन की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत पहले दिन स्कूल में केवल 25% छात्र ही मौजूद रहे थे। जानकारों के माने तो कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अभिभावक अभी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं, इसलिए पहले दिन स्कूल में छात्रों की संख्या बहुत कम देखी गई। हालांकि जो भी छात्र स्कूल पहुंचे वो नए सत्र की पढ़ाई को लेकर बेहद ही उत्साहित दिखे। हालांकि बिहार में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग और सरकार की परेशानी बढ़ा दी है, जिससे छात्रों के मन में एक बार फिर से कोरोना को लेकर डर बैठ गया है। दक्षिण भारत के लिए पटना से शुरू हुई एक और ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारतीय रेलवे ने पटना से दक्षिण भारत के लिए एक और ट्रेन की बुकिंग शुरू कर दी है। यह ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत संचालित किया जाता है। दक्षिण रेलवे की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 06359 एनारकुलम जंक्शन पटना जंक्शन एक्सप्रेस स्पेशल 1 मई से चलने लगेगी। इस ट्रेन के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। पहले दिन के लिए स्लीपर कोच की ज्यादातर टिकट बुक हो चुकी है। यह ट्रेन हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलेगी। 1 मई को एनारकुलम जंक्शन से चलकर यह ट्रेन 4 मई को पटना जंक्शन पहुंचेगी और उसी दिन एनारकुलम के लिए वापस भी हो जाएगी। इसके साथ ही रेलवे ने इस ट्रेन के ठहराव को लेकर भी जानकारी साझा कर दी है। बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट लगेगी गोपालगंज में। बिहार में इथेनॉल उत्पादन की मंजूरी मिलने के बाद पहली इथेनॉल यूनिट खोलने के लिए स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार पहली यूनिट गोपालगंज जिले के सिद्धवालिया में खोली जाएगी। इसके मुताबिक मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड को इथेनॉल इकाई की स्थापना की स्वीकृति मिल गई थी। यहां स्थापना होने वाले इथेनॉल यूनिट की क्षमता फिलहाल 75 किलो लीटर प्रतिदिन की होगी और इसके लिए 133.25 करोड़ की लागत से इस यूनिट को बनाया जाएगा। इसके लिए निजी पूंजी के साथ ही साथ सरकार की तरफ से वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। इसकी क्षमता विस्तार 100 KLPD होगी। पश्चिम चंपारण जिले के कुंदन कुमार ने रचा इतिहास।
पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी कुंदन कुमार का सपना आज राज्य के लिए रोल मॉडल बन गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें प्रोत्साहन भी दिया है। कोरोना को डीएम ने इसे अवसर में बदल दिया। डीएम की क्वारंटीन सेंटर में चलाई गई स्किल मैपिंग योजना रंग लाई और ऐसे ऐसे हुनरमंद लोग सामने आए जो आज तक दूसरे राज्यों के लिए काम करके वहां के विकास में भागीदारी निभा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने उन्हें बैंकों से कर्ज दिलवाया और फिर जगह देकर उन्हें मजदूर से मालिक बना दिया। इसके साथ ही कुंदन कुमार ने 170 हेक्टेयर की बंजर जमीन को जंगल में बदलने का काम किया है। इतना ही नहीं, ड्यूक यूनिवर्सिटी ने तो उन्हें लेक्चर देने के लिए भी हाल ही में बुलाया था। फिल्म आवर्तन का चयन हुआ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा के लिए। बिहार के गया जिले की रहने वाली लेखिका दुर्वा सहाय द्वारा लिखी गई और निर्देशित की गई फिल्म आवर्तन ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। फिल्म आवर्तन को इंडियन पैरानोमा और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा के लिए चयनित किया गया है। इस फिल्म में मूलतः गुरु शिष्य परंपरा के बीच प्रतिस्पर्धा को दर्शाया गया है। आपको बताते चले कि दुर्वा ने अब तक 6 फिल्में बनाई है और इनमें कई फिल्में कांस के लिए चयनित की गई है। फिल्म आवर्तन 1 घंटे 55 मिनट की आवर्तन कथक नृत्य पर आधारित है जिसमें गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाया गया है। बिहार एसएससी ने जारी की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए मेधा सूची। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पर्यावरण एवं जलवायु विभाग और पुलिस विभाग को कुल 4,895 अभ्यर्थियों की मेधा सूची भेजी है। इसके तहत पर्यावरण एवं जलवायु विभाग को 3,465 अभ्यर्थी की मेधा सूची भेजी गई है, जबकि पुलिस विभाग के विभिन्न पदों के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 1,430 अभ्यर्थियों की मेधा सूची भेजी गई है। इसके बाद अब संबंधित विभागों द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसके बाद अब इन दोनों पदों के लिए अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वहीं जिन अभ्यर्थियों ने टाइपिंग को ऑप्शन में दिया था उन सभी की टाइपिंग टेस्ट 15 अप्रैल से होने का अनुमान है। कोरोना काल के बावजूद बिहार सरकार का टैक्स संग्रह रहा बेहतर। वित्तीय वर्ष 2020-21 मार्च समाप्त हो चुका है। इस बार कोरोना के दौर में विपरीत परिस्थिति के बाद भी राज्य का वित्तीय प्रबंधन बेहतर रहा। मिली जानकारी के अनुसार राज्य की बजट राशि 2,10,000 करोड़ रुपए से 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो कि कुल बजट आकार का 82% था। यह खर्च पिछले वर्ष के बजट से 11% से ज्यादा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य का बजट 2,00,000 करोड़ के आसपास था, जिसमें 1,55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस बार राज्य का आंतरिक टैक्स संग्रह भी पिछली बार जितना यानी कि 40,000 करोड़ के आसपास रहा। राज्य में लागू हुई न्यूनतम मजदूरी दर। बिहार में मजदूरों और श्रमिकों के लिए बीते दिन 1 अप्रैल से न्यूनतम मजदूरी दर को लागू कर दिया गया है। इसके तहत न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। इसके अनुसार अब अकुशल मजदूर को 304 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल श्रमिक को 316 रुपए प्रतिदिन, कुशल श्रमिकों को 385 रुपए प्रतिदिन और अति कुशल मजदूरों को 470 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। इस संबंध में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि नई दरें सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठन, कंपनी और संस्थानों में कार्यरत कामगारों के लिए है, जिसका पालन सभी को करना अनिवार्य है। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में वृद्धि के आधार पर सरकार साल में 2 बार मजदूरी तय करती है। इसके तहत 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी की जाती है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पंचायतवार बनेंगे नोडल कर्मी। राजधानी पटना में आए दिन कोरोना के नए मामले देखने को मिल रहे हैं, वहीं इसे देखते हुए ही प्रशासन द्वारा एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। पटना डीएम ने सभी वीडियो और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को हर पंचायत में नोडल कर्मी को तैनात करने का निर्देश जारी किया है। इन कर्मियों के रूप में विकास मंत्री, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मी, इंदिरा आवास सहायक के साथ साथ आशा, एएनएम, जीविका और आंगनबाड़ी कर्मियों को शामिल किया जाएगा। इन नोडल कर्मियों का मुख्य काम लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक लाना होगा। साथ ही प्रत्येक पंचायतों को टीकाकरण केंद्र से टैग कर हर रोज लोगों को वैक्सीन देने के टारगेट को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है मानी जाती है। कांग्रेस ने 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को आज के दिन खारिज किया था। अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 1984 में मिशन सोयूज T-11 के तहत अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। भारत ने 1983 में पहले वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2011 में आज ही के दिन दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में जम्मू कश्मीर में देश की सबसे लंबी चेनानी नाश्री सड़क सुरंग राष्ट्र को समर्पित आज ही के दिन की थी। भारत के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अजय देवगन का जन्म 1969 में आज ही के दिन हुआ था। भारत में टीवी के प्रसिद्ध हास्य कलाकार कपिल शर्मा का जन्म 1981 में आज ही के दिन हुआ था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने 1720 में दुनिया को अलविदा कहा था।
इंग्लैंड के स्कूली पाठ्यक्रम में बिहार के ऐश्वर्य निगम के गाने को किया गया शामिल। बॉलीवुड फिल्म दबंग के सुपरहिट गाने मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए गाने को इंग्लैंड के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसको बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले ऐश्वर्य निगम द्वारा गाया गया था। अब इस गाने के धुन और बोल का अध्ययन इंग्लैंड के स्कूली बच्चे भी कर सकेंगे। इंग्लैंड के शिक्षा विभाग की तरफ से अपने म्यूजिक करिकुलम में मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए गाने को शामिल कर लिया गया है। दबंग फिल्म का यह गीत यूपी बिहार के लोकगीत और स्थानीय बोल के आधार पर लिखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ली कोरोना टीके की पहली डोज। सूबे बिहार में बीते दिन से 45 साल से ज्यादा उम्र के आम लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का काम शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत कल बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की। इसी क्रम में मंगल पांडे ने अपनी पत्नी के साथ पटना के IGIMS पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि अब तक बिहार में 29 लाख लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया है। वहीं उन्होंने 45 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों से टीकाकरण अभियान में शामिल होने की अपील भी की। बिहार में अब चलती ट्रेन में चिकित्सीय सेवा लेने पर अब जेब होगी आपकी ढीली। अक्सर ट्रेन में कई यात्रियों की तबीयत खराब हो जाती है, इसको लेकर कंट्रोल रूम में फोन करके चिकित्सीय सेवा भी लिया जाता है। हालांकि अब चिकित्सीय सेवा लेने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, जिसके तहत रेलवे ने डॉक्टर के लिए 100 रुपया कंसल्टेशन फीस तय कर दी है, जो नकद देनी होगी। इसके साथ ही दवाइयों का बिल आपको अलग से थमाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार नए नोटिफिकेशन के बाद से इस इमरजेंसी सेवा को हर तरह के बड़े छोटे स्टेशन पर उपलब्ध कराई जाएगी। नए नियम के अनुसार अगर कोई यात्री बीमार होता है तो TTE इसकी सूचना कंट्रोल को देते हैं। मुजफ्फरपुर में ममता दीदी के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बिहार के मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला पश्चिम बंगाल के चुनावी जनसभा में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहे जाने से नाराज सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी की तरफ से किया गया है। तमन्ना हाशमी ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मिली जानकारी के अनुसार इस परिवाद में ममता बनर्जी पर 147, 148, 295, 295A, 511 के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। हाशमी ने कहा है कि जो बिहारी पश्चिम बंगाल की लाइफलाइन है, उन्हें अपशब्द कहकर ममता बनर्जी ने अपमानित किया है। गया सीवरेज सिस्टम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक। होली के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने बीते दिन एक और अहम बैठक बुलाई, जहां उन्होंने गया सीवरेज सिस्टम को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर ही आयोजित करवाई गई। आपको बता दें कि सीएम की इस उच्च स्तरीय बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और जल संसाधन मंत्री संजय झा के साथ मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी मौजूद रहे। वहीं सीएम के प्रधान सचिव दीपक कुमार और विभाग के दूसरे आला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहे। जानकारी है कि अधिकारी मुख्यमंत्री के सामने गया सीवरेज सिस्टम को लेकर किए गए काम का प्रेजेंटेशन भी पेश करते देखे गए। केंद्र ने BR अंबेडकर जयंती को पब्लिक हॉलीडे किया घोषित। 14 अप्रैल को देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। वहीं इस मौके को लेकर केंद्रीय सरकार ने भी अहम घोषणा की है, जिसके तहत 14 अप्रैल को पब्लिक हॉलीडे घोषित करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत ही अब सभी केंद्रीय कार्यालयों को छुट्टी रहने वाली है। इसको लेकर सरकार ने सभी मंत्रालयों को एक मेमोरेंडम जारी कर दिया है, जिसमें अपने अपने विभाग को इस बारे में जानकारी देने की बात कही गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत में हुआ था। अंबेडकर को हमेशा नारी शिक्षा और अधिकारों के लिए, समाज सुधार के लिए, दलितों के उत्थान के लिए हमेशा ही याद किया जाता है। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर पुनर्विचार करने की कही बात। बिहार में शराबबंदी को 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी शराब की हो रही बिक्री ने सरकार के नाक में दम कर दिया है। इतना ही नहीं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसके बाद इस मुद्दे पर सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। इस बीच हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि शराबबंदी पर फिर से एक बार समीक्षा किए जाने की जरूरत है। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि सरकार को एक बार फिर से शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार कर लेना चाहिए। शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन जिस तरह से शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब माफिया व्यापार बढ़ा रहे हैं, यहां तक शराब अब तस्करी का रूप लेने लगा है, सरकार इस पर पुनर्विचार करे। आधार से पैन कार्ड को इस तारीख तक करवा सकते हैं लिंक। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करवाने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। इसके अनुसार अब 30 जून तक आप इसे लिंक करवा सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने इस संबंध में बताया है कि यह फैसला COVID-19 महामारी से होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए पैन को आधार से जोड़ने के लिए अंतिम तारीख को 3 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है, ताकि गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग आराम से यह काम करवा सके। आपको बता दें कि पैन से आधार लिंक करवाने की ऑनलाइन तारीख 31 मार्च तक ही थी। हालांकि कई लोगों ने वेबसाइट क्रैश होने की शिकायत इनकम टैक्स विभाग से भी की थी, और इसे देखते हुए ही तारीख बढ़ाने की मांग भी की गई थी। सुरेश राणा ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ शेयर की तस्वीर। सुरेश राणा और महेंद्र सिंह धोनी की दोस्ती कई सालों से चली आ रही है। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। यही कारण है कि अब
यही कारण है कि जब धोनी ने अपने रिटायरमेंट की बात कही थी तब रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। इसी क्रम में रैना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया है जिसमें वो धोनी के साथ बैट को लेकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बैट को लेकर कुछ बातचीत कर रहे हैं। रैना ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हमेशा आंख से आंख मिलाकर नहीं लेकिन हमेशा दिल से दिल तक। रैना का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कीर्ति कुल्हाड़ी ने अपने पति से अलग होने का लिया फैसला। कीर्ति कुल्हाड़ी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने पति से अलग होने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत कीर्ति ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि सभी को यह बताने के लिए एक सरल नोट कि मेरे पति साहिल और मैंने अलग होने का फैसला किया है, कागज पर नहीं जीवन में। एक निर्णय जो शायद किसी के साथ होने के निर्णय की तुलना में कठिन है, क्योंकि एक साथ आना हर किसी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है जिसे आप प्यार करते हैं और परवाह करते हैं, और किसी के साथ नहीं होने का निर्णय समान लोगों के लिए दर्द और चोट पहुंचाता है, यह आसान नहीं है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 1 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,370 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,370 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 93.52 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 85.56 रुपए प्रति लीटर था। जदयू प्रखंड अध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण जल्द होगा शुरू। जदयू प्रखंड अध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है। 3 और 4 अप्रैल को जदयू मुख्यालय के कर्पूरी सभागार में प्रखंड अध्यक्षों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसके तहत नवगछिया, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, पटना और बाढ़ के प्रखंड अध्यक्षों का प्रशिक्षण होगा। इस बारे में जानकारी जदयू के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार ने दी है और बताया है कि प्रशिक्षण का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह करने वाले हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अभय ठाकुर, राजाराम पासवान, सुनील कुमार, आरती कुमारी, देव कुमार यादव, मयंक प्रसून, सुचिता सिंह, राकेश कुमार, अमरजीत कुमार, कौशल कुमार, संजय प्रसाद, नवदीप राय, प्रतीक राज, जगदीश राम, संजय कुमार सिंह, भरत प्रसाद, संजय कुमार, कमलेश मुखिया, सूरज पटेल। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार विपक्ष की तरफ से शराबबंदी पर पुनर्विचार करने की मांग सही है या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।